इसराइल और हिजबुल्ला के संघर्ष ने दुनिया भर में तनाव बढ़ा दिया है। जहां इजरायली सेना हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं ईरान ने हिजबुल्ला के समर्थन में इसराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। लेकिन इन सब के बीच लेबनान की सेना पूरी तरह गायब दिख रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जब इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, तब लेबनान की सेना है कहाँ और वो कर क्या रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनानी सेना के गायब दिखने की सबसे बड़ी वजह है जरूरी हथियार और उपकरणों की कमी, क्योंकि लेबनानी सेना बहुत गहरे आर्थिक संकट से जूझ रही है। ये चीजें और बदतर हुई साल 2020 में, जब बेरूत के एक फर्टिलाइजर वेयर हाउस में धमाका हुआ था। उसके बाद लेबनान बहुत बुरे आर्थिक संकट की चपेट में आ गया और लेबनानी सैन्यकर्मी बुरी तरह प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, लेबनानी सेना को ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ा। इसके अलावा इजरायली सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और तो और उसे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों का भी साथ मिल रहा है, वो भी तब जब लेबनान को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से ही मिलती है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़े युद्ध को लेकर अमेरिका ने लेबनान समेत तमाम देशों पर दबाव बनाया है कि वो ऐसे हथियार ना रखें जिसे इसराइल को खतरा हो। वहीं लेबनान में छिपे हिजबुल्ला के लड़ाके इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम देशों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि लेबनान पर आतंकी संगठन को पनाह देने का भी आरोप है, जिसके चलते इसराइल लेबनान को दुश्मन मानता है और इसीलिए उसने लेबनान में घुसकर 2006 के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेबनान में चीजें इसलिए भी पेचीदा हैं क्योंकि अमेरिका, जिसे हिजबुल्ला अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता है, वही लेबनानी सेना को फंड देने वाला सबसे बड़ा देश है। कुछ समय के लिए तो लेबनानी सैन्य कर्मियों को मिलने वाले बहुत कम वेतन में भी अमेरिका योगदान देता था। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम फोर्स के साथ काम कर चुके जनरल मुनीर शहादे बताते हैं कि लेबनानी सेना और किसी भी अरब देश के पास इतनी क्षमता नहीं है जिससे वे इजरायली सेना का सामना कर सकें। इजरायली सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध के अलावा किसी भी अन्य तरह की जंग ठीक नहीं है, जैसा कि गाजा में हुआ था। लेबनानी सेना के रिटायर्ड जनरल खलील एल हेलेऊ कहते हैं, लेबनानी सेना की भूमिका आंतरिक रूप से स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि आज लेबनान के अंदरूनी हालात बहुत नाजुक हैं। करीब 5 लाख लेबनानी हिजबुल्ला समर्थकों का विस्थापित होकर उन इलाकों में जाना जहां हिजबुल्ला के विरोधी रहते हों, ये निश्चित ही तनातनी बढ़ाने वाली बात है जो आगे चलकर अशांति या फिर गृह युद्ध में तब्दील हो सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद लेबनानी सेना ने ऐसे संवेदनशील माने जाने वाले कई इलाकों में भारी बलों की तैनाती की है। ये वो जगह है जहां देश के अलग अलग समूहों के बीच तनाव की अधिक संभावना थी। अब सवाल उठता है कि क्या मौजूदा संघर्ष में लेबनानी सेना की कोई भूमिका है भी या नहीं? तो जवाब है, प्रभावी रूप से नहीं, क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान के पास अपनी अलग चुनौतियां हैं। इसराइल का सामना करने के लिए उसे ज्यादा सैनिकों की जरूरत है और उसके लिए अधिक पैसे भी चाहिए, जो कि लेबनान की सेना के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 58 लाख की आबादी वाले लेबनान में सशस्त्र बलों की संख्या करीब 84,200 है, जबकि एयरफोर्स में 2,500 और नौसेना में 1,700 जवान तैनात हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।